हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और बाबू ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है, पूरे घर के डिब्बे ढुड़वा रहा है, मुझे कबाड़ी बना दिया है। हेलो फ्रेंड्स, गौर से देखिए इस बच्चे को, ये जो इतना सीधा दिख रहा है, इसने दो दिन से मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है, पूरे घर के डिब्बे मेरे से ढुड़वा रहा है, इसको अपना प्रोजेक्ट बनाना है कंप्यूटर का। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज आदित्य के स्कूल में कार्डबोर्ड से कुछ बनाने को मिला था, तो कंप्यूटर में आदित्य को कंप्यूटर का बनाने को मिला है, तो उन्होंने ये देखिए ये बनाया है, कंप्यूटर का स्क्रीन बनाने को मिला था। तो अगर आप लोगों के बच्चों के स्कूल में भी ऐसा बनाने को मिले तो आप लोग भी बना सकते हैं। ये एक दिवाली पे गिफ्ट आया था हमारे यहाँ, तो उसमें कुरकुरे थे और भी अच्छा अच्छा सामान था, तो उसका ये कार्डबोर्ड रखा हुआ था, तो उसी से ये बनाया हुआ है। ये नीचे चॉकलेट का डिब्बा मुझे गिफ्ट में मिला था, तो मैं उससे स्पीकर बना रहे हैं। चॉकलेट के डिब्बे का स्पीकर बना रहे हैं, सीधा करके दिखाओ बाबू। गाइस, अभी मैं कोने से पेंट स्टार्ट कर रहा हूं। चॉकलेट का डिब्बा है तो उससे ये स्पीकर बना रहे हैं गाइस, ब्लैक ब्लैक कलर का पेंट करके बना रहे हैं। देख सकते मेरा रंगीला पेंट, हाँ ये इनका पेंट है रंग बिरंगी, इससे ये कोशिश कर रहे हैं बनाने की। और कंप्यूटर तो बन चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों के स्कूल में भी बच्चों को अगर मिलता है बनाने के लिए, तो आप ऐसा बना सकते हैं। ये जो नीचे ग्लास की तरह दिख रहा है, ये कॉफ़ी का, जो कागज़ की कॉफ़ी कप आते हैं पेपर वाले, वो है, उसको ब्लैक कलर किया हुआ है। और ये लिया था एक स्काई ब्लू कलर, उससे इसकी स्क्रीन बनाई है। ये कुछ अदर पेंट लेके ये आइकन बना दिए हैं। और ये यहाँ पर लिख दिया है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट HP। और ये पूरा देख लीजिए, ऐसे दूर से देख लीजिए, ऐसे बना हुआ है, ये कंप्यूटर की तरह दिख रहा, कंप्यूटर स्क्रीन की तरह। और भी हैं, ये क्राफ्ट के ही आइटम हैं, ये सब डिपॉजिट किए जाएंगे। ये गाइस मेरी बहन का है, गाइस ये उनका प्रोजेक्ट है, तो ये अभी बन रहा है पूरे तरीके से। मेरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, दूसरे को बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये बाबू के चॉकलेट के डिब्बे से स्पीकर तैयार हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये है गौरी का प्रोजेक्ट, इसमें छोटे छोटे एनिमल्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गौरी ने आर्टिफिशियल घास बनाई हुई है। आपको कैसा लगा बताना, ये सब गौरी ने डेकोरेट किया है।